दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वीजीएफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रैक मैटे के बारे में कि अडोब प्रीमियर सीसी के अंदर हम ट्रैक मैटे का कैसे यूज करते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। ये हमारे पास में टाइपिंग टूल होता है जिसके द्वारा हम टाइपिंग वगैरह करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर मैन स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपने ट्रैक मैटे की। ठीक है, जब आप यहाँ पे ट्रैक मैटे की लिखेंगे तो ये आपके पास में ट्रैक मैटे की आ जाएगा। एक तो आपके पास में ऑप्शन होता है यहाँ से इसको स्केल करने का कि आप इसको इस टाइप से स्केल कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो ये आपके पास में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होता है पैनल के अंदर इफेक्ट कंट्रोल, ये देखिए ये इफेक्ट कंट्रोल आपके पास में आ गया है। यहाँ से अभी इसका साइज 54 है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसका साइज हम इस टाइप से होकर इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं अगर, तो फॉन्ट यहाँ से आपके पास में ऑप्शन होता है बहुत टाइप के कि आप इस टाइप से इसमें फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे एरियल ब्लैक में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के आपके पास में फॉन्ट है, एरियल स्क्रिप्ट है, ये देखिए इस टाइप से एरियल स्क्रिप्ट हो गया। इसको हमने जूम कर लिया, ठीक है। और यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेता हूँ मैं, ब्लैक ले लिया। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर हमें ट्रैक मैटे की डालनी है। अब दोस्तों जब आप ट्रैक मैटे की डालते हैं तो सिर्फ आपको ट्रैक मैटे की क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में ऑप्शन होता है इफेक्ट का, यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ट्रैक मैटे की। अब आप ये देख सकते हैं कि की के अंदर ट्रैक मैटे की निकल के आ गया आपका, ये इस टाइप से। तो ये आपने इस टाइप से कर देंगे, ठीक है। जब आप इस टाइप से आपने इसके अंदर ट्रैक मैटे की आपने डाल दी है तो इफेक्ट पैनल के अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, ये देखिए नीचे वाली लेयर पे डालनी है ये, ना कि आप ऊपर वाले आप इफेक्ट पे डालते, इफेक्ट पे नहीं डलेगी ये टाइपिंग टूल पे, नीचे डालिएगा। और नीचे डालने के बाद आपने मैटे में जाना है और वहाँ पे आपने देखना है कि ये वीडियो 1 पे लेयर है आपकी या 2 पे, तो 1 पे सिलेक्ट कर लीजिए, 2 पे सिलेक्ट कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक मैटे हो गया है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ भी आप ले जाओगे इसको, तो ये उसी टाइप से मूव भी आपका करेगा। ये देखिए इस टाइप से। एक तो आपका तरीका ये होता है ट्रैक मैटे का, ये मैंने आपको इस पे बता दिया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपका कि अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक शेप मैंने ली हुई है ये वाली इस टाइप से, ये देखिए। और शेप को भी जैसे मैं ट्रैक मैटे डाला हुआ है इसके ऊपर, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं, नन कर देते हैं। ये शेप हमारी इस टाइप से है, ये देखिए। अब मैंने क्या करना है, ट्रैक मैटे लेना है, यहाँ पे लिखना है की भी लिख सकते हो आप, की लिखोगे तो सारी की निकल के आ जाएंगी। और यहाँ पे लिखना है आपने ट्रैक मैटे की, ठीक है। इसको हमने नीचे डालना है इस पर और लेयर को कर देना है हमने यहाँ से, डबल ट्रैक मैटे आ गई है इस पर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो सिंपली एक मैटे हमने यूज करनी थी,
और आपने इसको कर देना है इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक मैटिक की हमारी इस टाइप से आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आप जहाँ पे भी ले जाओगे, ये देखिए मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो इस टाइप से मतलब कहीं पे भी आपका ये ऑब्जेक्ट जहां भी रहेगा तो वहां पे आप ट्रैक मैटे का यूज होता रहेगा। ये देखिए, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया टेस्ट के बारे में कि टेस्ट का यूज कैसे करते हैं ट्रैक मैटे के अंदर। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीजों के बारे में प्रीमियर के अंदर, ईडीएस के अंदर। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल on the YouTube channel All VGF Expert।